फ्रेंड, आज हम बनाएंगे एक मिनटों में बनने वाली सब्जी की रेसिपी। हम बनाएंगे कटहल की सब्जी, डिफरेंट स्टाइल में। बहुत टेस्टी लगती है खाने में और झटपट बन जाती है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो आइए बनाते हैं कटहल की सब्जी। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो अपना फीडबैक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और रेसिपीज़ को शेयर करना मत भूलिएगा। तो आइए बनाते हैं कटहल की सब्जी। कटहल की सब्जी बनाने के लिए हमने लिया है 400 ग्राम कटहल, जिसे मैंने धो लिया है और उसको पीसेस में काट लिया है। साथ में मैंने दो प्याज लिए मीडियम साइज के, इन्हें बारीक चॉप कर लिया है। 1/4 कप मैंने लिया है टमाटो, जिसे मैंने मिक्सी में पीस लिया था। अदरक और लहसुन लिया है 1/2 टीस्पून। साथ में दो हरी मिर्च है, जिसे बारीक चॉप कर लिया है। 1 चम्मच है धनिया पाउडर और 1/4 टीस्पून है हल्दी पाउडर। 1/2 टीस्पून हमने लाल मिर्च का पाउडर लिया है। 1/2 टीस्पून हमने गरम मसाला लिया है। सॉल्ट एज पर टेस्ट है। साथ में जीरा है 1/2 चम्मच। हींग है 1/4 टीस्पून। साथ में हमने लिया है 1/4 कप है कर्ड, फ्रेश कर्ड लिया है। इसे हम बनाएंगे मस्टर्ड ऑयल में। तो आइए स्टार्ट करते हैं कटहल की देसी स्टाइल में बिल्कुल सब्जी बनाना। एक कढ़ाई गैस पर रख दूंगी और इसमें मैं डाल लूंगी 1 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल अच्छी तरह गर्म हो गया है, हमें इसे बहुत अच्छी तरह पकाना है। अब मैं इसके अंदर ये कटहल है जो, इसको डाल दूंगी। हमें इसका हल्का सा कलर चेंज करना है। हम इसको तब तक थोड़ा सा तेल में इसको पकाएंगे। मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए इसका कलर हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो गया है। बस हम इसे 2-3 मिनट के लिए और पकाएंगे, फिर हम इसे बाहर एक बर्तन में निकाल लेते हैं। अब हम कटहल को निकाल लेते हैं। कटहल हमारा गोल्डन हो गया है, देखिए फ्रेंड। हमने कटहल को बाहर निकाल लिया कढ़ाई में से। अब इसी तेल में ही हम इसको छौंक देंगे। हम पहले डाल देंगे थोड़ी हींग, साथ में हम डाल देंगे जीरा। अब हम इसमें डाल देंगे बारीक कटे हुए प्याज। इसे अच्छी तरह भून लेंगे। अनियन को मैंने रफली चॉप करा है। इसमें बीच बीच में थोड़े से बड़े डाइस अच्छे लगते हैं प्याज के। साथ में गार्लिक और अदरक ऐड कर देंगे। सिर्फ हल्का सा इसका कलर चेंज करेंगे हम अनियन का। अनियन का कलर चेंज हो गया है। अब हम इसमें हरी मिर्च डाल देंगे। साथ में हम इसमें डाल देंगे 1 टमाटर। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें मसाले ऐड कर देंगे। धनिया पाउडर 1 चम्मच, हल्दी, लाल मिर्च, इन सबको आपस में अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। एक दो सेकंड के लिए हम इसे भूनेंगे। अब हम इसके अंदर 1/4 कप दही ऐड करेंगे। गैस की फ्लेम को हम बिल्कुल स्लो रखेंगे और इसे अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। अभी हमने इसमें नमक ऐड नहीं करा है, आप नमक बाद में ऐड करना। इसको 1-2 मिनट के लिए अच्छी तरह भूनेंगे। मसाला भून गया है हमारा। अब हम इसमें सॉल्ट ऐड कर देंगे। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हो। और हमने जो कटहल शैलो फ्राई करा था वो भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। पांच मिनट के लिए मैं इसे ढक दूंगी और 5 मिनट के बाद हमारी सब्जी तैयार है।
5 मिनट के लिए हम इसको स्लो फ्लेम पे ढककर पकाएंगे। 5 मिनट बाद हमारी सब्जी बिल्कुल बनके तैयार है। अब हम इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे। हमने पहले गरम मसाला नहीं डाला है, गरम मसाला हमेशा बाद में डालना चाहिए, पहले डालने से उसका सारा फ्लेवर उड़ जाता है। अब हम इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया, देखिए फ्रेंड्स कितनी अच्छी बनी है हमारी सब्जी, बहुत ही अच्छा कलर आया है सब्जी में और बहुत ही अच्छी लग रही है। अब हम इसे एक बर्तन में खाली कर लेते हैं। फ्रेंड्स हमारी कटहल की सब्जी बनके बिल्कुल तैयार हो गई है। देसी स्टाइल हमने कटहल की सब्जी बनाई है और बहुत ही अच्छी बनी है, देखने में भी और खाने में भी बहुत टेस्टी है। तो आप इस कटहल की सब्जी की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिए कि आपको उसमें क्या पसंद आया और क्या नहीं। और मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ।